देखो रोमरेस को तो चैलेंजेस आते रहते हैं, और भाई फिर से एक बार स्मैकडाउन के एक बंदे ने रोमरेस को चैलेंज किया, और भाई ये बंदा है क्रिएटिव टीम का। साथ ही साथ गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टेजेस एंड प्लस रिकी न्यू लुक के बारे में, और भाई क्या है इसके बारे में रिकॉर्डिंग, बहुत बड़ी अपडेट ये वीडियो के अंदर कर करके वीडियो के अंदर काफी मजा आने वाला है, इसे लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल करना सब्सक्राइब और साथ साथ वीडियो भी करना लाइक। तो चलो गाइस वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ, जो कि जुड़े इस हफ्ते मंडे नाइट रॉ की रेटिंग से। इस हफ्ते की बात करें तो मैंने आपको रेटिंग पता ही दी थी, पर गाइस ये एक्यूरेट रेटिंग नहीं है, अब पता चला कि भाई ये हिस्ट्री की लोएस्ट रेटिंग है, पर इतनी भी नहीं, पर गाइस करेक्ट रेटिंग मैं आपको बताऊं तो भाई वो भी डाउन प्ले नहीं, और भाई रेटिंग है ये 1.557 मिलियन व्यूअर्स, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले से तो है, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई को अच्छी व्यूअरशिप तो नहीं मिली थी, पर खैर स्टिल जो है रेटिंग जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए डिसअपॉइंटिंग है, और जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप मिली है वो भी लोएस्ट की रेटिंग्स है, पर खैर ये जो है एक्यूरेट व्यूअरशिप अब आ चुकी है, और जो रॉ को रेटिंग्स मिली है, मतलब जो मैंने कल आपको बताया कि 1.4 मिलियन व्यूअर्स उतनी नहीं है, बल्कि ये जो है 1.557 मिलियन व्यूअर्स रेटिंग है। तो भाई देख लेते हैं मंडे नाइट रॉ को डब्ल्यूडब्ल्यूई सुधार के या फिर नहीं, पर ऐसे हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट की, और भाई नेक्स्ट अपडेट जो इस बार गई हमारे MVP के बारे में, MVP भी फिलहाल गई मिला है किसी और से नहीं, बल्कि हमारे स्मैकडाउन की ही टैग टीम यानी कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स यानी मोंटेस फॉर्ड एंड एंजेलो डॉकिंस से। तो इस क्या होता है डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉक्स है, जो कि अपने ऑफिशियल अकाउंट के थ्रू फोटो पोस्ट करती है, जो कि आप देख पा रहे थे, और भाई इस फोटो के अंदर है सेल्फी लिए MVP ने सेल्फी ली, और भाई इसके नीचे जो कैप्शन है वो है भाई आंख का, मतलब आगे तक आपको पता होगा ये कैप्शन लिखा है, और भाई इससे क्या हमें क्या पता चलता है कि भाई MVP क्या स्ट्रीट प्रॉफिट्स को यहाँ पर लेकर आने वाले अपने अपने हॉट बिजनेस के अंदर, या फिर क्या MVP एंड ऑडियंस की स्मैकडाउन पर जाने वाले, इससे बहुत तगड़े तगड़े रूमर्स फैल रहे, और भाई ये जो फोटो है इससे पूरे जो है बवाल मच गया, और भाई इससे क्या हो सकता है कि भाई स्ट्रीट प्रॉफिट या तो आ सकते हैं रॉ पर, या फिर आ सकते हैं हॉट बिजनेस के अंदर, या फिर हमें एंगल भी देखने को मिल सकते हैं जो अपने होम बिजनेस के बॉडी ऐसे MVP है वो ही हमें जाते हुए दिखाई स्मैकडाउन के ऊपर। तो भाई यहाँ पर से ये बहुत सारी अपडेट होती है, पर इस बात करते हैं अपडेट की, तो भाई अपडेट ही इस बार रोमन रेस के बारे में, और भाई रोमन रेस को भी आ चुका है फिर से एक बार चैलेंज, और भाई ये क्या है स्मैकडाउन के ऑफिशियल एडम पियर्स ने, आपको बताओगे ऐसे एडम पियर्स रोमन रेस के बल्कि अपोनेंट हुए थे, पर इस बात में केविन ओस ने उनको रिप्लेस किया, पर गाइस एडम पियर्स का एक इंटरव्यू होता है, और भाई एडम पियर्स से आपको रिवील करते हैं कि मुझे अगर फिर से एक बार दोबारा मौका मिलता है कोई रोमन रेस के साथ मैच रिसीव करने का, तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा, मैं फिर से चैलेंज करने के लिए एक्साइटेड हूँ रोमन रेस के लिए, और फिर अगर मुझे फिर से अपॉर्चुनिटी मिलती है रोमन रेस के अगेंस्ट तो मैं काफ़ी खुश हूँ, और मुझे भी रोमन रेस के साथ एक मैच रिसीव करना है। हमने भी देखा था कि भाई इन दोनों का मैच तो ऑफिशियल हो गया था, पर रोमन रेस ने खैर जो है मैच रिसीव किया ही नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट इनका साइन भी होता था, तब जो है यहाँ पर एडम पियर्स ने रिप्लेस किया था केविन ओवेंस को, और भाई यहाँ पर से एडम पियर्स ने उनकी जगह यहाँ पर रख दिया था केविन ओवेंस को, और भाई यहाँ पर से इंटरेस्टिंग बात है एडम पियर्स रिवील करते हैं, और भाई क्या होता है अगर कभी कला फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एडम पियर्स का गेस्ट रोमन रेस होता है तो भी कौन जीत सकते हैं, आपको यह लगता है रोमन रेस जीतेंगे या फिर एडम पियर्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपके जो ओपिनियन शेयर कर सकते हो, पर गाइस ये भी काफी बढ़िया एडम पियर्स का कहना था, पर गाइस आपको यह लगता है ये मैच पॉसिबल है या फिर नहीं, और गाइस एडम पियर्स एंड रोमन रेस के बीच मैच हो सकता है या फिर नहीं, पर गाइस बात कर लेते हैं फाइनल स्टोरी की और भाई फाइनल अपडेट की, और ये भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की काफी मेगा एंड ब्लॉकबस्टर अपडेट है, और भाई ये जुड़ी है डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्टेजेस एंड रिंग से, और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रही की जो डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यू स्टेजेस है वो अब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी ज्यादा इम्प्रूव उनको करने वाली है, और न्यू स्टेज भी लाइव ऑडियंस के सामने रिवील ऑफिशियली होने वाले है, ये बातें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल नहीं की, पर गाइस बहुत तगड़े सोर्स है कि भाई हाँ ये होने वाला है ऑफिशियल, और भाई इसके रिकॉर्डिंग और भी ब्रांड न्यू अपडेट है कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई स्टेजेस को सिर्फ सुधारेगी नहीं, बल्कि जो रिंग होती है उनको भी डब्ल्यूडब्ल्यूई काफी बड़े तरीके से इम्प्रूव करने वाली, और भाई रिंग के अंदर जो आपको पता है रिंग के अंदर जो है बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई जिसका लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन पे, तो गाइस यहाँ पर से जो है मैं आपको फुल उसके अंदर बताए डब्ल्यूडब्ल्यूई के असली सच के एपिसोड है, और भाई यहाँ पर से डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग के अंदर इम्प्रूव करने वाली है,
उसके अंदर एक काफी बड़े तरीके से फोन भी WWE यूज करने वाली, काफी तरीके से बढ़िया WWE और अलग शेप देने वाली, जिससे कि जो रेसलर को मतलब चोट वगैरह ना आए, जो पावर बॉम्ब वगैरह या फिर कोई हाई फ्लाइंग मूव यूज करे और भाई कभी गलती से वो जो है मिस हो जाए तो भाई इसके जो है WWE के रेसलर्स को जो कोई चोट वगैरह ना पहुंचे, इसलिए WWE ये सब प्लान करी है। और भाई काफी बढ़िया अपडेट है और भाई हमें देखने को मिलने वाला है न्यूज पेजेस एंड रिंग के अंदर भी काफी इंप्रूवमेंट। तो भाई काफी बड़ी अपडेट है, किसी अपडेट लगी मुझे कमेंट सेशन के अंदर भी बताना। बाकी आज के हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि हमारे पैनल नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। बस यही आज की हमारी वीडियो आज के लिए, बस इतना ही, धन्यवाद।